हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम एक करंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो गर्ल्स की मैरिज एज है वो क्या 18 से 21 हो गई है या नहीं। तो काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है जो एंट्रेंस या बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्या गर्ल्स की मैरिज एज जो है वो 18 से 21 हुई है या नहीं, या हम 18 मार्क करेंगे या 21। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम जैसे सोशल ट्रेडिंग साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल के जो PDFs हैं वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये जो इशू है ये हमारे फेब 2020 में ये सामने आया था। निर्मला सीतारमण जी जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है इससे रिलेटेड एक प्रोविजन को, एक कमेटी को जो है वो बनाने पे बात की और ये बात की कि जो गर्ल्स की मैरिज एज 18 है क्या वो सही है या नहीं, क्या इस एज को 21 होना चाहिए या नहीं। तो इस पर फेब 2020 में ये प्रोविजन रखा और एक कमेटी बनाने की बात की। कमेटी बनाने के बाद के फैब में और ये बोला कि ये जो कमेटी होगी ये 31 जुलाई 2020 को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यानी कि अभी जून चल रहा है तो अभी जुलाई नहीं आया, तो जिनका एग्जाम इससे पहले है वो ऑब्वियसली यहाँ पे 18 ही अभी मार्क करेंगे, क्योंकि अभी इसकी रिपोर्ट जो है वो अभी सबमिट नहीं हुई है। तो इस पर अभी डिस्कशन बाकी है। तो इसके साथ ही इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखनी ज़रूरी हैं, जैसे कि तो उसके बाद ये जो कमेटी बनाई गई, इस कमेटी में टोटल 10 मेंबर्स हैं और इन 10 मेंबर्स में जो इसमें हेड है वो जया जेटली है। और जो जया जेटली है यहाँ पे वो समता पार्टी की यहाँ पे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। तो इसके साथ यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर, नीति आयोग, इनके भी कुछ मेंबर्स जो हैं इन 10 मेंबर्स में इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे आपके टोटल जो मेंबर हैं वो हैं 10। तो हेल्थ मिनिस्टर और बाकी सारे इसमें कुछ और भी लोग इंक्लूड हैं। तो इसके साथ ही अब इस कमेटी जो है, ये कमेटी फॉर्म हुई है, ये कमेटी कौन कौन से इश्यूज पर जो है वो कंसिडर करेगी, कौन कौन से इश्यूज को देखेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर कम एज में जो गर्ल्स की शादी हो जाती है तो उसके बाद हमारा जो यहाँ पे मैटरनल मदरहुड रेट है, मैटरनल मोरालिटी रेट जो है यहाँ पे बहुत लो हो जाता है। और इसके साथ ही एज ऑफ मदरहुड, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि किस एज में जो है मदरहुड होना चाहिए और यहाँ पे जो है लो एज में यहाँ पे मदर बनने से क्या क्या इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसके बावजूद यहाँ पे जबकि यहाँ पे इस टाइम इंडिया में 18 साल गर्ल्स की एज है मैरिज की, उसके बावजूद 30-40% जो गर्ल्स हैं, अप्रॉक्सीमेट अगर 30% देखें तो यहाँ पे ऐसे गर्ल्स हैं जो बिलो 18 ईयर्स जिनकी शादी हो जाती है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। अब जो मैटरनल मोरालिटी रेट है इसके बारे में भी इसमें विचार किया जाएगा। और इसके साथ ही इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन रेट, कि यहाँ पे जो है इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, क्या ये एज 21 करना ठीक है, क्या ये एज 18 से बढ़ाना ज़रूरी है या 18 ही ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कमेटी है इन सारे रिलेटेड इश्यूज को कंसीडर करेगी और कंसीडर करने के बाद ये बताएगी कि एज जो है वो 21 होगी या नहीं होगी। अब इसके साथ ही जो है हमें कुछ रिलेवेंट एक्ट्स को भी पढ़ना है, क्योंकि ये करंट इशू है और करंट इशू है तो इससे रिलेटेड एक्ट्स भी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो इसकी स्टार्टिंग होती है, इसकी स्टार्टिंग यहाँ पे 1860 IPC इंडियन पीनल कोड 1860 में सबसे पहले इसके बारे में बात की गई कि यहाँ पे जो बिलो 10 ईयर्स गर्ल हैं उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना जो है वो इनवैलिड होगा। यानी कि यहाँ पे ये जो है ये इसमें मिनिमम गर्ल्स की एज 10 ईयर होनी चाहिए और कंसेंट भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1860 में जब इंडियन पीनल कोड आया तो इसमें सिर्फ ये बात हुई सेक्सुअल इंटरकोर्स की, इसमें मैरिज इन सब की बात नहीं की गई। तो उस टाइम क्या हुआ कि इस एज को बहुत कम माना गया
और ये बोला गया कि यहाँ पे जो है ये एज थोड़ी इंक्रीज होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे एज ऑफ कंसेंट बिल आया जो कि यहाँ पे 1927 में आया। और इसके साथ इस बिल में ये कहा गया कि ये जो इंडियन पीनल कोड में 10 ईयर एज बताई गई थी उसे यहाँ पे 12 ईयर कर दिया गया, कि यहाँ पे जो गर्ल के लिए है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो मिनिमम 12 ईयर होना चाहिए। बट देयर इज सिमिलैरिटी देयर कि यहाँ पे मैरिज की कोई भी बात नहीं की गई। और उसके बाद इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थी, तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बहुत ज्यादा उस वक्त कंजर्वेटिव थे। तो जब ये शारदा एक्ट आया, जिसको शारदा एक्ट भी बोलते हैं, शारदा एक्ट भी बोलते हैं, ये बेसिकली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट को बोला जाता है। तो जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है 1920 का, इसमें सबसे पहले जो है मैरिज के लिए गर्ल और बॉय दोनों की एज को जो है वो डिस्क्राइब किया, और ये बोला गया कि मिनिमम 14 इयर्स गर्ल्स की एज होनी चाहिए और बॉय की जो है शादी के लिए मिनिमम 18 इयर्स एज होनी चाहिए। बट यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि हिंदू और मुस्लिम्स हमारी जो सोसाइटी है उस टाइम पे 1929 इस ईयर के आसपास जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थी, उन्होंने इस लॉ को मानने से इनकार कर दिया। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इसको जो है क्या किया गया, वो फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि इसमें जो है गर्ल्स की एज कोई मैटर नहीं करती और यहाँ पे जो है ऐसे रूल्स नहीं बनाने चाहिए, और उन्होंने यहाँ पे लड़कियों के लिए जो एज बताई गई है उसको नहीं माना और उससे कम उम्र की लड़कियों की भी शादी की। तो इसी वजह से ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट आया ये इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया और ये डेड लेटर बन के रह गया। तो इस एक्ट को जो है शारदा एक्ट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जब ये एक्ट आया तो इस एक्ट के जो स्पॉन्सर थे वो थे हरबीलास शारदा। तो हरबीलास शारदा जो थे वो यहाँ पे इनके स्पॉन्सर थे और ये उससे पहले आर्य समाज पार्टी के मेंबर भी रह चुके हैं, तो इसीलिए इस एक्ट को ये बोला जाता है शारदा एक्ट, बाकी इसके पीछे कोई इम्पोर्टेंट रीजन नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हम इसमें सारे एक्ट और सारे चेंजेस को ईयर बाय ईयर करेंगे। हालांकि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो बाद में जो है वो अमेंड भी होता है, बट हम इसको अकॉर्डिंग टू ईयर कर रहे हैं 1860 IPC, 1927 एज ऑफ कंसेंट बिल एंड 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट। अब हम आगे जाते हैं, आगे अब हम देखेंगे कि पोस्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंट के बाद का टाइम 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आता है, और स्पेशल मैरिज एक्ट में काफ़ी सारे जो प्रोविजंस हैं वो मैरिज से रिलेटेड पास किए जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो स्पेशल मैरिज एक्ट आता है उसके बाद जो शारदा एक्ट है 1978 में, शारदा एक्ट में ये बोला गया कि अब गर्ल्स की मैरिज एज जो है वो मिनिमम 18 होनी चाहिए और बॉय की जो है वो मिनिमम 21 होनी चाहिए, जिसे अभी हम फॉलो कर रहे हैं। दिट इज गिवन इन ईयर 1978। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइल्ड मैरिज जो 1929 वाला था उसे 1978 में अमेंड किया गया, लेकिन अमेंड करने के बावजूद यहाँ पे हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी गर्ल हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को बिहेवियर में लाने के लिए कि लोगों को अगर वो इस रूल को ब्रेक करें तो उन्हें थोड़ा डर हो और इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट में लाने के लिए प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट को लाया गया। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यहाँ पे जो है शारदा एक्ट जो है 1978 वाला, इसी को और ज़्यादा जो है वो इफेक्ट में लाता है 2006 का, जिसमें इसमें अगर किसी ने चाइल्ड मैरिज करवाई या चाहे उसमें पेरेंट्स हो या कोई भी पर्सन हो तो यहाँ पे वो क्या होगा, उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी मिलेगी अगर कोई चाइल्ड मैरिज करवाता है। तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के साथ ही यहाँ पे जो है ये थोड़ा और इससे हमें फ़ायदा मिला, बट इसके अलावा हमें और भी रूल्स की ज़रूरत महसूस हुई, जैसे कि कुछ पर्सनल लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज जो है यहाँ पे इन पर भारी पड़ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत से पर्सनल लॉज में जो है वो मैरिज की एज को डिस्क्राइब नहीं किया गया,
और ये माना गया कि गर्ल्स की शादी के लिए मैरिज एज जो है वो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे कि अगर हम मुस्लिम में देखते हैं तो मुस्लिम जो इनका पर्सनल लॉ है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लीजिए 15 साल की लड़की है उसकी शादी करवा देते हैं, तो यहाँ पे उसको ये बोला जाएगा कि ये जो शादी है ये मेजर है, क्योंकि यहाँ पे उससे जो प्यूबर्टी की एज है उसे ऑप्टेन कर लिया है। अगर यहाँ पे गर्ल या बॉय कोई भी प्यूबर्टी की एज ऑप्टेन कर लेते हैं तो यहाँ पे मुस्लिम में वो शादी जो है वो वैलिड हो जाएगी। वैलिड बाकी भी मैरिज होंगी बट यहाँ पे इसमें एज कोई नहीं बताई गई है कि किस एज पे शादी करनी चाहिए। अब जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट को जो सेक्शन 5 का क्लॉज 3 वो यहाँ पे जो मैरिज के लिए कंडीशंस है उसमें ये बात करता है कि गर्ल्स और बॉयज़ की एज के बारे में, गर्ल्स की एज 18 और बॉय की एज 21। अब इसी के साथ ही जो है पर्सनल लॉज में, पर्सनल लॉज और ये जो बाकी के शादा एक्ट्स वगैरह हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं कि हम उनको नहीं मानते हैं, यहाँ पे जो है इसके बावजूद कम एज में गर्ल्स की शादी होती है, तो ये इस सारी चीज़ों को देखते हुए भी यहाँ पे इस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो एज जो है वो मैटर करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गर्ल और बॉय दोनों के यहाँ पे मेंटल या हर चीज़ तरीके पे फर्क पड़ता है इससे, तो हर चीज़ के यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन हर तरीके के चीज़ों को देखते हुए इसकी एज को हमें फॉलो करना चाहिए जो एज यहाँ पे गिविन है। और इसके बाद अब हमें देखना है कि कमेटी जो है यहाँ पे 30 जुलाई को क्या रिपोर्ट जो है वो देती है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो एज है गर्ल्स के मैरिज की वो यहाँ पे फाइनल होगी, बट स्टिल देयर इज 18 ईयर्स एज, अभी यहाँ पे जो है 18 साल ही है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू फील दिस वीडियो हेल्पफुल देन शेयर।